एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है, स्कैनिंग करना है। चलो यस मैम। फॉर्म योर पाम्स। मेरे को सबका वीडियो चाहिए तभी मैं देख सकती हूँ कौन क्या कर रहा है। जिसने नहीं दिखाना हो तो वो प्रॉब्लम में है फिर। एमी हाउ आर यू? निधि जी, निमिषा जी, सुनीता जी, अप्रेशा जी, मैजिकल मोनिका, सब ठीक कैसे हो? नंदिनी जी, पूर्णिमा जी, रीमा, राहुल, ऑल आर फाइन। Yes, good ma'am. I would like to join the theta wala group. Meri healing karna roz tum log. So, now warm up kar liya. Isko aise aise dabana finger tips ko. This is known as activating your palms. Huh? Activate कर रहे हो आप अपने palm को. Nidhi Jain is new in my session, right? How are you? कहाँ से हो आप? ठीक है आप exercise करो. Sorry. So, what we will do is ध्यान से सुनना. आपके यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ठीक है? दिस इज योर इमेजिनरी लाइन. अब मैं बोलूं अपना अपना ऑरा. ऑरा मतलब इनर ऑरा. ओनली वी विल स्कैन एंड वी विल डू इनर ऑरा पूरे क्लास में, राइट? सो इनर ऑरा स्कैन करना. मैं बोलूंगी अपर इनर ऑरा का ऊपर वाला एरिया, लाइक हेड एरिया. ओके, हाउ यू विल स्कैन? दिस इज योर लाइन. आपका जो ऑरा होगा इस तरफ आएगा. आप जैसे इंटेंड करोगे वैसे आपको आंसर मिलेगा. बिलीव इन योर सेल्फ. अगर नहीं आया तो वो आएगा, स्ट्रेस मत ले, राइट? अब आप लोग हाथ थोड़ा पीछे ले जाओ, जितना पीछे ले जा सकते हो ले जाओ. जस्ट से आई वॉन्ट टू स्कैन माई ऑरा. आराम से लेके आओ, स्लोली लेके आओ. व्हेनेवर यू फील अ पुश यू विल स्टॉप. सुमित जी इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? मेरे को आपका हाथ देख. वेयर इज योर हैंड? अच्छा है, हाँ. Like this. ये आपका प्रैक्टिस है, होमवर्क है, करते रहो इसको. आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आंखें खोल के नहीं आ रहा है तो आंखें बंद करो. आई विल डू अ प्रेयर, आ जाएगा. मैम इतनी दूर आ सकता है क्या? किया अभी आपने सेल्फ डाउट? बिल्कुल आ सकता है. ये राइट हैंड से करना है ना मैम? कैसे भी, लेफ्टी हो तो लेफ्ट से करो, राइट हो तो राइट से करो. जस्ट इमेजिन दिस इज योर लाइन एंड देन जो भी आप, यू आर कंफर्टेबल. कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं ना. हाँ जी डॉक्टर रोनल बताइए. मैम एक क्वेरी है. मैम अभी आपने कहा जैसे कि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, आजना चक्र के लिए, तो मैम आपने एक बात बोली थी टैप इनटू योर आजना एंड आस्क इट टू बैलेंस द हार्मोन्स. मैम उसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर कि उसको जस्ट वी कैन जस्ट डू इट लाइक दैट? प्रोसीजर इतना ही है कि उसको टैप करना. बेसिकली हम ऐसे जब टैप कर रहे हैं तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड सुन रहा है हमारी बात. तो जस्ट कमांड कि मेरा हार्मोन्स बैलेंस करो, हार्मोनाइज करो. यू कैन डू इट एवरी डे. थैंक यू. हमारे बीच एक डॉक्टर है, मैं अगर कुछ गलत बोलूं तो प्लीज बता देना. मैम तो ये क्या प्रैक्टिस करती है?
मैम मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। वेरी नाइस, वेयर डू यू स्टे? हीलिंग भी मेरा पैशन है मैम, आई स्टे इन कानपुर, यू उत्तर प्रदेश। यू स्टे इन कानपुर? कानपुर, कानपुर। ओके, वेरी नाइस, गुड टू हियर। ओके, किस किस का हो गया? मेरे को सबका अपना अपना हाथ दिखाओ, मैं एक बार सारा देख लेती हूँ। मेरा हाथ जो है ना वो यहाँ तक स्टॉप हो रहा है इधर। एक मिनट राहुल जी, मैं देख रही हूँ। Where is राहुल जी? हाँ, दया को देख लिया, चेतना को देख लिया, दर्शन जी आपका हाथ नहीं दिख रहा है, राहुल जी कहाँ पे? सुमित जी आपका हाथ रुक गया, पार्टी आज तो। राहुल जी कहाँ पे हो आप? देख रही हूँ, वेट। मैम वो इनर होना मतलब है कि आउटर होना है क्या? आप आ क्यों नहीं रहे उसमें? आई राहुल करके आ क्यों नहीं रहे? मेरा मैम इनर होना लेना है कि आउटर होना लेना है? इनर, ओनली इनर। ओके, रामजी देसाई। या रामजी देसाई। हाँ जी, आ रहा है। मैं प्राणी गिलर हूँ, आराडिक प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे तो पता चल। अरे वाह, आपको तो पता ही होगा फिर तो। ओके मैम, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये यार, ये राहुल, हाँ राहुल जी दिख गए, चलो करो आप। मैम मेरा रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में? एक मिनट, मेरे को एक मिनट, ये अभी मिले हैं राहुल जी ढूंढ ढूंढ के। मेरा जो हैंड है वो यहाँ पर आके रुक गया, इधर यहाँ पे आके रुका है, मतलब फोर्स करना पड़ रहा है इधर से। ये अपने आप कैसे चेंज हो जाता है यार? अभी तो मैंने रखा, वापस गायब हो गए। हाँ, यहाँ पे आके रुक जाता है, इधर इधर यूं टॉप हियर। नहीं, आप तो लाइन से भी इधर चले गए, आपका और गायब क्यों कर रहे हो आप? लाइन तो इधर है आपका। मैम ये जो लाइन है ये क्या चीज है, आपने क्या बताया? इमेजिनरी एक लाइन तो चाहिए ना हमें, एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए कि हमारा ऑरा कितना है। तो वो ये लाइन है, और यहाँ से आप स्कैन कर रहे हो कि भाई आपका इनर ऑरा कहाँ पे है। दिस लाइन इज अ रेफरेंस पॉइंट। गॉट इट। सो मैम इतना आ रहा है, यहाँ पे रुको एक मिनट। हाँ सही है, इतना आ रहा है, वेरी गुड। ओके, अब आप क्या क्या स्कैन करना चाहोगे बताओ। मैम एक चीज पूछना। पूछो मैम, जैसे आपने बोला और ये ऐसे किए तो इनर ऑरा इतना बड़ा होगा कि यहाँ पर आके जैसे लग रहा है कुछ बैलून, और उसके बाद ज्यादा प्रेस कर, मतलब प्रेसराइज कर रहा है, तो यहाँ दोनों हाथ में कुछ कुछ हो रहा है। फिर कुछ क्या हो रहा है आपको? एनर्जी फील हो रही है क्या? व्हाट इज दैट? कुछ 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 क्या तुम नहीं समझोगी, वो वाला डायलॉग बोल रहे हो। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मतलब यहाँ तक आके रुक गया, फिर जबरदस्त मतलब बहुत है यार तुम्हारा तो, और इतना सहला हूँ कि बताओ मैं। झगड़ा करते तो मैम ये जो बोलते हैं ना ओपन, तो ये ऐसे ऐसे होते जाते हैं, मतलब लग रहा है पीछे धक्का हो रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? मतलब मेरे साथ ये जैसे आपका जो वो था ना, जो मेडिटेशन वगैरह जो करते हैं, तो ये ऐसे जब करते हैं ना क्राउन चक्रोपन, तो मैम ये हाथ अपने आप पीछे फेंकाता जाता है, ऐसे 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 लगता है जैसे मतलब कोई मतलब कुछ खुल रहा है, तो वैसे पूरा ऐसे होता है। हाँ, तो जब मेडिटेशन करते हैं तो एंट्री पॉइंट मैंने बोला ना यहीं से आता है, तो वो तो खुलना ही चाहिए ना, तभी तो अंदर जाएगा। इट्स लाइक आपका खाना इधर से है। नहीं, हैंड भी होता है। हाँ, दोनों हाथ भी ऐसे मतलब जिस तरह आपको दिखता है, मतलब अपोजिट साइड में। आप हाथ भी ऐसे करके थोड़ी मेडिटेशन करते हो? मतलब रेकी भी करते हैं ना। हाँ, तो फिर जब करते हैं ना इनर, तो फिर वो चक्रा करते हैं ना ऐसे, सब चक्रा करते फिर अपने करते हैं, तो उसमें फिर ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे होते जाते हैं हाथ। तो अच्छी बात है ना, क्राउन जितना बड़ा होगा उतना आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है।
ओके और एक चीज का पूछना था मैम, अगर हम लोग की कोई ऑरा में मतलब हम लोग पूरा मतलब चक्रा जैसे आपने बोला एक समय कोई भी चक्रा ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस रहता है, ये एकदम राइट है। और मैम अगर ऑरा में कोई हम लोग को इन करने की कोशिश करता है तो क्या हम लोग के चक्रा वहीं पर ब्लॉक हो जाते हैं? इन कॉन्शियसली अगर आप अलाउ करोगे किसी को, देखो ये हमारा घर है, हमारे घर में हमारे इजाजत के बगैर कोई आ रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम है ना, हमने उसको इजाजत दिया है। मैम मैं किसी को वैसे करती नहीं, मतलब मान लो किसी से मिली उसमें अगर नेगेटिविटी है लेकिन उसका एहसास हो जाता है तो वहां में चक्रा ब्लॉक पे जाते हैं, वो मेरे को पता चलता है और वो इन करने की कोशिश कर रहा है वो भी पता चल रहा है, मतलब और हमें पता चल रहा है कि सही बात है। फिर तो फिर आप शील्ड कर दो, मैंने सिखाई हुई है शील्ड, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन। अभी हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोग हमें देखते हैं, उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग भी देखते रहते हैं, तो हम अगर ये सब सोचने लग जाए तो हो गया काम हमारा। ये मतलब और ब्लॉक होता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब वो तो वो सही नहीं होता है। नहीं नहीं वो ब्लॉक सिर्फ उस पर्सन के लिए जो आपके लिए सही नहीं लग रहा आपके हिसाब से, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए आपने ब्लॉक कर दिया। थैंक यू। ओके आपके घर पे प्लांट है? प्लांट नहीं, आप लोग किस डिवाइस से कनेक्टेड हो अभी? लैपटॉप फोन? हाँ तो एक ये जो लाइन है ये लाइन आपके लैपटॉप और मोबाइल का भी है, उसका और स्कैन करो मोबाइल और लैपटॉप का। तब कैसे बोल रहे हो मैम, समझ नहीं। जैसे मैं अपने मोबाइल का ऑरा स्कैन करने वाली हूँ, मेरे को परमिशन दे दो। मैम नहीं पकड़ा जा रहा है, बहुत बाहर जा रहा है। मोबाइल का पूरा इनके पास नहीं आ रहा है मैम, वो तो मैम बहुत बाहर जा रहा है। ठीक है पूरा मैम हो गया, मैम बहुत बाहर जा रहा है, बहुत बाहर जा रहा है मैम, एक फीट डेढ़ फीट तक जा रहा है। वेरी नाइस, आपके तो लैपटॉप और फोन का भी हो रहा है, इतना बड़ा है, बड़ा है ना तभी बाहर, बड़ा है बड़ा, हाँ तभी बाहर जा रहा है। हाँ तो देखो उसमें कितना कॉन्शियसनेस है मैम, आप बैठे हो ना उसमें, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, बट अभी उसमें आप बैठे हो ना ऐसी बात नहीं है। एमी हाउ आर यू, कनेक्ट कर पा रहे हो? यस मैम। आपके ऑरा का बताओ कितना है? छी आपका फोन मेडिकल का मैंने मैं मेरा किया था, ये कैसे चेंज हो जाता है ये जो भी मैं जिससे बात करना चाहती हूँ। हाँ मैंने मेरा जो किया था मैम तो मेरा यहाँ तक था, पीछे तक हाथ गया था और फिर नहीं आ रहा था, और फोन का भी अभी करा तो इतना बाहर आया मेरा, इतना तक हो रहा था। जानवी, सुमन, आईफोन, मीरज, शंकर, इन लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। अर्चना, अमरीशा, देर आर टू दर्शन, मैं हूँ दोनों जगह पे। अच्छा ओके, हाँ जी मोनिका जी कुछ बोलना है आपको? आप बोलिए मैडम, क्या कह रही थी? मैं राम जी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं मैं कह रही थी कि अगर वो हाथ से बाहर जा रहा है, मतलब कितना आ रहा है ना आपका? नहीं हाथ में मेरा तो मोबाइल और इसका लैपटॉप दोनों का हो रहा कैच ही नहीं हो रहा है, बहुत आउटर। कोई एक करो ना, पहले लैपटॉप का करो फिर मोबाइल का करो, दोनों ही बाहर जा रहे हैं। पहले मोबाइल का किया फिर लैपटॉप का किया, दोनों का यही हाल हुआ कि दोनों अपने उससे बाहर है। तो सही है ना, उसमें कितने मेडिटेशन हम डाल के रखते हैं, बहुत मेडिटेशन है। हाँ वही तो, वो तो दवा भी दे रहा है ना। आपने रेज किया हैंड, कोई डाउट है? हाँ जी हाँ जी।
वो मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी आप बात कर रहे थे कि शील्डिंग के बारे में, मैं आपकी वेरी फर्स्ट क्लास आपकी अटेंड कर रही हूँ, आप इसके चीज के बारे में मैं कहाँ से पता करूंगी, कैसे मुझे पता लगेगा? मैं कवर करूंगी, ये तो मेरा पुराने स्टूडेंट्स क्या किया था हमने आकाशिक में मैंने सिखाया, तो मैं पूछ रही थी, बट इसमें भी वी विल कवर, डोंट वरी। अरे आप एज अ हीलर शील्डिंग एवरीबॉडी शुड नो, तो वो एक हर हीलर कवर करता है। ठीक है जी, ओके। ओके, अपने अपने पार्टनर्स का भी एक बार ऑरा स्कैन कीजिए, जिसका भी आपको चाहिए, आपको मन कर रहा हो, मेड भी, हस्बैंड, मेड भी, वाइफ, मेड भी, चिल्ड्रन, उनका ऑरा कितना जा रहा देखिए। मैम पास में नहीं होंगे तो भी चलेगा ना? पास में किसी को भी नहीं रखना है, सब दूर ही सही है, पास से नहीं चाहिए। ऐसे ही स्कैन करो सबका, जस्ट टेक देयर नेम एंड स्कैन। मैम दोबारा बताएंगे एक बार, आपके पार्टनर, बच्चे, आपकी मर्जी, किसी का भी आप नाम लेके यू कैन स्कैन एंड सी कि उनके ऑरा कैसा है। स्कैन कैसे करना है, जैसे एक बार ऑरा तो मेरा यहाँ पर आया खुद का, लेकिन कई बार क्या है यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइन क्रॉस नहीं करना। अच्छा। ठीक है, ये लाइन नहीं क्रॉस करना, आपका जो भी आएगा या तो यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, वरना वो तो बंदा जिंदा ही नहीं है, क्योंकि जिसका इनर ऑरा नहीं है वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो कम से कम यहाँ से पीछे से आप इधर तक ही लेके आना है आपने, इससे आगे नहीं जाना। अगर नहीं हो रहा है तो वापस फ्लिक करो, वापस सारा एक्टिवेट करो और आराम से आंखें बंद करके अपने गुरु का नाम लो और स्कैन करो। आ गया ना राहुल जी? कितना आ रहा है? हाँ, जिसका भी स्कैन कर रहे हो बहुत सॉलिड हो रहा है। किसका कर रहे हो आप? ये तो मैं खुद का कर रहा हूँ। अच्छा है, बढ़िया। आपकी शादी हो गई तो आप अपनी वाइफ का स्कैन करो। नहीं अभी तो मैं सिंगल हूँ। तो पापा मम्मी का करो। अच्छा ठीक है, उनका नाम लेगी? उनका नाम लेना है पहले, तभी वो आपके सामने इंट्यूटिवली आएंगे, अपना ऑरा दिखाएंगे। ऐसे किसी का भी नहीं करना है, सिर्फ अपने जो लव्ड वंस हैं, पापा मम्मी, पति, हस्बैंड और बच्चा, बस इतना ही अभी स्कैन करना है, बाकी लोगों का नहीं करना है। और जिसका स्कैन कर लिया उसके बाद एक बार आइसोप्रोपाइल बोला उससे एक बार हाथ साफ कर लेना, जब आप किसी और का कर रहे हो तो। यहाँ तक आ रहा है। हाँ, कैसे हाथ करना है मैम? हाँ जी, आपने क्या बताया, कैसे किसी का देखने के बाद कैसे क्लीन करना है हाथ? कोरोना में तो सिखाई दिया सबको कैसे क्लीन करना है। अच्छा, पानी से सैनिटाइजर से करना है ना। एक और भी चीज है, जैसे किसी अनजान आदमी या अपने फ्रेंड्स करते हैं तो फिर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता? अनजान आदमी क्या करते हैं? मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में किसका करता हूँ या किसी नॉन पर्सन का जिसको मैं जानना चाह रहा हूँ? अभी नहीं करना किसी का, सिर्फ पापा मम्मी, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, इतना ही रहो अभी, उसके बाद अभी किसी का कुछ नहीं करना। मैडम कॉर्ड कटिंग करना है उसके बाद में, और एक बार और चेक करने के बाद जर्नी कर रही थी, आपने
मैम मुझे कैसे विजुअलाइजेशन करना हारा चेक करने के लिए? विजुअलाइजेशन नहीं करना है इसमें, सिर्फ यही है कि आपने एक इमेजिनरी लाइन इधर क्रिएट कर लिया, ओके, इसके आगे आपका हाथ नहीं जाएगा, ठीक है? दिस इज योर पाला। अब आप पीछे से लेके आओ अपना हाथ एंड आप अपना ऑरा देखो कहाँ तक है, वहां से ही रुक रहे हैं। आपको एक पुश मिलेगा, हाँ, मिलेगा कि एक पुश है, तो दैट इज योर ऑरा, यहाँ रुक रहे हैं, हाँ, तो दैट इज योर ऑरा, ओके, योर इनर ऑरा, वी ऑल आर स्कैनिंग आवर इनर ऑरा, आउटर ऑरा तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए हमारे पास इतना जगह ही नहीं है। मैम अभी लाउड वंस को चेक करने के लिए बोला ना, उनको भी लाइन डाल के ही चेक करना है? हाँ, ओके, सबका ऐसा ही है।